डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे 1, 2, 3। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को अपनी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी मिली, इंक्रीज मीन्स बढ़ना। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, यदि उसकी नई सैलरी 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालो। ओरिजिनल सैलरी मीन्स जो इंक्रीज होने से पहले थी उसकी सैलरी, तो जो फाइंड आउट करना उसको हमें सपोज करेंगे। सपोज हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स, इंक्रीज इन हिज सैलरी 10% ऑफ एक्स, जो ओरिजिनल सैलरी है उसका 10% इंक्रीज हुई। इसको हम कैसे लिखेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई एक्स। 10% मीन्स 10/100 ऑफ, किस जगह क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई और ये एक्स, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल हो गई और ये बच गया हमारे पास एक्स बाई 10। हिज न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी क्या होगी, एक्स प्लस एक्स बाई 10 और इक्वल टू, एक्चुअली कितनी है, RS 1,54,000। ऐसा हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स, हमें के इक्वेशन बनानी होती है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर इसका हमें 1 लेंगे, इधर का 10 हमारा एलसीएम आ गया 1 का और 10 का, 1 10 10 होते हैं तो x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10x प्लस एक्स इक्वल टू 1,54,000। ये बार बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब ये हो गया 10x प्लस 1x 11x बाई 10 इक्वल टू 1,54,000। अब 10 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया 11x इक्वल टू 1,54,000 और ये 10 इधर जब लेफ्ट साइड था तो इसके साथ ये डिवाइड कर रहा था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई में 10 आएगा। अब x इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई 10, अब इस 11 को भी इधर लेके आना है, 11 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो उधर जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड मीन्स बाई में लिखेंगे। अब लेफ्ट साइड ओनली x बच गया हमारे पास और यही हमें चाहिए था कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, 11 1 जा 11, इसको करेंगे तो 11 1 जा 11, बचेंगे 4, उतारा नेक्स्ट 4 तो 11 4 जा 44 और ये लास्ट की जो 30 है ये एज इट इज, ये 14,000 ये 10 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1,40,000। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू किस लिए निकाली थी, सपोज की जगह 100 लिखो, 100 हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू RS 1,40,000। ये स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम है स्टूडेंट्स,
ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को चिड़ियाघर में 845 पीपल गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को केवल 169 पीपल गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे को लोगों की विजिट में कितने परसेंट की कमी आई। डिक्रीज मीन्स होता है कमी आना, ये हमने फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे इक्वल टू 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे 169। डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे को लोगों के विजिट में जितनी कमी आई, 845 माइनस 169, 15 में से 9 गया 6, ये बच गए 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचे हैं 7, 7 में 7 गया 6, 676 पीपल की कमी आ गई। अब हमने निकालना क्या है, परसेंट डिक्रीज। डिक्रीज परसेंट इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे इक्वल टू जितना डिक्रीज हुआ है वो लिखो पहले, 676। बाई में क्या होता है टोटल, कितने में से डिक्रीज हुआ, 845 में से डिक्रीज हुआ है। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखो 5 की टेबल से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो 5 से कैंसिल कर दो पहले, 5 टू जा और 500, इसको कैंसिल करते हैं तो ये बच गया 5, बन जा 5, बचे 3, 5 6 जा 30, बच गए 4, उतारे 5, 5 9 जा 45। अबे 13 की टेबल से ये और ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो 13 की टेबल देखो, 13 वन जा 13, बचेंगे 3, उतारोगे 9, 13 3 जा 39, इसको करते हैं तो 13 5 जा 65, बचे 2, उतारा 6, 13 2 जा 26, और 13 से ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52। अब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा, नंबरेटर ये 4 है और ये 20 है, इनको मल्टीप्लाई किया 80 और इसके पीछे परसेंट का साइन लगाना है, 80% की कमी हुई मंडे को। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया, अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम स्टूडेंट्स, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर आरएस 2400। एक दुकानदार ने 80 वस्तुएं, आर्टिकल वस्तुएं हैं 2400 में खरीदी, एंड सेल देम ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उन्हें 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए वन आर्टिकल। एक वस्तु का हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं,
और जितने में उसको बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, इक्वल टू RS 2400, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना दिया है 16%, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा, टोटल प्रॉफिट होएगा 16% ऑफ 2400, जो कॉस्ट प्राइस होता है लॉस या प्रॉफिट उस पे होता है। 16/100 मल्टीप्लाई 2400, इसके भी लास्ट में दो जीरो है, इसके भी लास्ट में, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। 16 की और 24 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, बचे 6, 16 2 जा 32, 32 में 6 ऐड किया 38, RS 384 प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स खरीदी कितने में थी, RS 2400 में, प्रॉफिट कितना हुआ RS 384, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2784, 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, जो 80 आर्टिकल का है उसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आर्टिकल का आ जाएगा, 2784/80, 4 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 से कर दो, 4 2 जा 8, 4 0 0, इसको करेंगे तो 4 6 जा 24, बचेंगे 3, उतारेंगे 8, 38 हो गया, 4 9 जा 36, बचेंगे 2, उतारा 4, 4 6 जा 24, अब फिर 4 की टेबल से जाएगा, 4 5 जा 20, और इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, बचेंगे 2, उतारे 9, 29 हो गए, 4 7 जा 28, बचा 1, उतारे 6, 4 4 जा 16, अब हमारे पास बच गया 174/5, इसको हमें रुपए पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 174.00, जब भी रुपए पैसे बढ़ाने हो तो पॉइंट के बाद 2 टाइम 0 लगाएंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, बचे 2, उतारा 4, 5 4 जा 20, बचे 4, उतारे 0, 5 8 जा 40, कुछ नहीं बचा, उतारिए 0, नहीं गया तो चढ़ा दे 0, और ये हमारे पास आ गया RS 34.80। और स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया, आज के वीडियो में हम इतना ही सम करेंगे।